बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल, और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS401 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर CS401 की असाइनमेंट आप जल्द से जल्द बनाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके सोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो फाइनली मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है। तो ये मैं भी आपके सामने असाइनमेंट को बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले और असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको दिखाने से पहले आपसे एक बेशक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि मैं VUB असाइनमेंट्स और इनके क्विज वगैरह का सोल्यूशन लाता रहता हूँ, और उसके अलावा डिजी स्किल्स की असाइनमेंट और इनके क्विज का सोल्यूशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। तो जो आपने कोड लिखना था वो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा होगा VUID। तो यहाँ पर VUID को आपने अपनी आईडी में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो जो ये डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपने अपने जो होगा VUID होगी वो आपने देनी है, ठीक है। वो आपने लिखनी थी, ठीक है, वो आपने देनी है, ठीक है। वो आप देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये कोई और दी हुई है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी देनी है, और जो कोडिंग करनी थी वो आपने कोडिंग करके अपना रोल नंबर को वो था वो रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट आईडी को रिप्रेजेंट करना था। तो उसके लिए सभी कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो आपको कोई भी कोडिंग करने का मसला नहीं है। अब आपको मसला इस बात में आएगा कि किस तरह से असाइनमेंट को बनाया जाए और किस तरह से इस असाइनमेंट को सबमिट किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आप नीचे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि जो आप काम करेंगे तो किस तरह से होगा, ठीक है। ये आपको पता है डॉक्सबॉक्स जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आपने करना है। तो यहाँ पर नीचे मैं आपको सबमिट करने की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने नीचे प्रोवाइड कर दी, आप उसे रीड कर सकते हैं। अगर आप रीड नहीं करना चाहते तो मैं वो अभी आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से करनी है, ठीक है। जस्ट सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, रीड इट केयरफुली एंड आफ्टर रीडिंग लीड दीज लाइन, ठीक है। क्योंकि इन लाइन्स की कोई अहमियत नहीं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको समझ लग जाए कि आपने किस तरह से इस असाइनमेंट को बनाना है और सबमिट करना है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग योर कोड, अपना कोड लिखने के बाद आपने जो कोड मैंने दिया उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, एडिट करना है। उसको कोड लिखने के बाद ओपन डॉक्स बॉक्स सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है, और उसमें जाकर रन NASM को रन करना है। असेंबल द कोड यूजिंग NASM कमांड एंड टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरह से जैसा कि ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, इस तरह से आपने वो कोड को यहाँ पर जाके रन कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट ओपन द COMD फाइल इन डिबगर, ठीक है। इसके बाद आपने COM को डिबगर में ओपन करना है, ठीक है। रन योर कोड बाय प्रेसिंग F1 की, आपने F1 पर की प्रेस करनी है, और उसके बाद आपका कोड रन हो जाएगा। एट दिस स्टेज डाटा विंडो नंबर 2 ऑफ AFD शुड डिस्प्ले योर कम्प्लीट VUID, ठीक है। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे तो आपकी जो VUID होगी, जो आपने ऊपर मैंशन की होगी जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो आपने AFD का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद योर असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड एज अ सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट डॉस और DX। आपने जो अपनी असाइनमेंट होगी, जैसा कि मैंने ये जो फाइल है ये डॉस में बनाई हुई है, तो आपने भी डॉस यानी कि MS वर्ड की फाइल में बनानी है, और उसे इसी फाइल में सबमिट करना है। कोड रिटन इन वर्ड स्क्रीनशॉट ऑफ कंपाइल स्टेप्स डॉस एंड स्क्रीनशॉट ऑफ AFD। आपने अपनी फाइल का जो कोड होगा वो आपने वर्ड की फाइल में लिखना है, उसके साथ आपने बाकी दो स्क्रीनशॉट डॉस बॉक्स के और AFD के वो आपने साथ में अटैच करने हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसे अटैच करेंगे तो आपकी असाइनमेंट हो जाएगी कंप्लीट। देखिए एक छोटा नोट है, व्हेन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ कंपाइल स्टेप एंड AFD टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ होल, आपने मुकम्मल का स्क्रीनशॉट लेना है। ये नहीं कि जो विंडोज़ छोटी सी ओपन होगी उसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लेना, ठीक है। स्क्रीन नोट ऑफ डॉस बॉक्स AFD क्रॉपिंग और एनी टेम्परिंग, ठीक है। आपने इसे क्रॉप नहीं करना, ना ही उसे और कुछ छेड़ना है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दी भी है, जैसा कि सपोज स्टूडेंट VUID इज 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस VUID इज 9 विच इज़ एन ऑड नंबर, सो दिस स्टूडेंट विल यूज बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड टू सॉल्व दिस असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे असाइनमेंट को एग्जाम्पल भी दिए है, ताकि आपको आसानी हो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने में। एक छोटी सी असाइनमेंट थी, लेकिन इसे सबमिट करना और इसे बनाने में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने बस अपनी यहाँ पर आईडी चेंज करनी है, और यहाँ पर जहाँ पर आपका रोल नंबर होगा वहाँ पर आपने वही चेंजिंग करते जाना है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या काम पर कौन कौन सी चेंजिंग करनी है,
तो वो आपको समय लग जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई समय नहीं आती या मसला आता है तो आपने नीचे मुझे कमेंट करना है ताकि मैं वो आपका मसला सॉल्व कर सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।